हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में, जिसको हम लोग बर्मा देश पुकारते चले आए थे, वहाँ पर कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुई है, ऐसे समाचार मिले हैं। इस समय देश सेना के संरक्षण में है। निश्चित रूप से वहाँ की जो सेना है वो प्रजा रक्षण के अपने दायित्व को बखूबी निभाएगी, ऐसा हम अनुमान करते हैं, आशा करते हैं। बांग्लादेश में 10% के लगभग हमारे हिंदू बंधु भी रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा आवश्यक है, इसलिए वहाँ की सेना से, इस समय जिनके हाथ में सत्ता है, उन लोगों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके योगक्षेम का भी निरंतर ध्यान रखा जाना चाहिए। आपके देश के वो भी नागरिक हैं और हर नागरिक के लिए एक तरह की व्यवस्था, एक तरह की सुविधा और एक तरह का व्यवहार स्वाभाविक है। तो इसी अपेक्षा के साथ हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं। वहाँ के जो हिंदू हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि परिस्थितियों के अनुसार धैर्य बनाए रखते हुए अपनी सुरक्षा भी करें और साथ ही अपने देश की उन्नति के लिए अपना योगदान भी प्रदान करें। नारायण। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में, जिसको हम लोग बर्मा देश पुकारते चले आए थे, वहाँ पर कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुई है, ऐसे समाचार मिले हैं। इस समय देश सेना के संरक्षण में है। निश्चित रूप से वहाँ की जो सेना है वो प्रजा रक्षण के अपने दायित्व को बखूबी निभाएगी, ऐसा हम अनुमान करते हैं, आशा करते हैं। बांग्लादेश में 10% के लगभग हमारे हिंदू बंधु भी रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा आवश्यक है, इसलिए वहाँ की सेना से, इस समय जिनके हाथ में सत्ता है, उन लोगों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके योगक्षेम का भी निरंतर ध्यान रखा जाना चाहिए। आपके देश के वो भी नागरिक हैं और हर नागरिक के लिए एक तरह की व्यवस्था, एक तरह की सुविधा और एक तरह का व्यवहार स्वाभाविक है। तो इसी अपेक्षा के साथ हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं। वहाँ के जो हिंदू हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि परिस्थितियों के अनुसार धैर्य बनाए रखते हुए अपनी सुरक्षा भी करें और साथ ही अपने देश की उन्नति के लिए अपना योगदान भी प्रदान करें। नारायण।